आज सोमवार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में पीटरहॉफ में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्य में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू दूसरी बार बढ़ाया गया है। शहरी आवास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि 31 मई तक हिमाचल में पहले वाले आदेश जारी रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पहले की तरह 3 घंटे ही खुली रहेंगी। दूसरी तरफ कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, पंचायती राज सहित कई अन्य विभागों के एजेंडों पर चर्चा हुई। इसमें स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्तुति दी, जिसमें राज्य में कोविड से हो रही मौतें और मामलों को कम करने की रणनीति बनाई गई है। प्रदेश सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की गई। बता दें कि राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते जयराम सरकार ने 7 मई सुबह 6 बजे से 17 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया था। इसके बाद इसे 26 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया था। आज सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना कर्फ्यू को अभी जारी रखने का फैसला लिया गया है। गौर रहे कि पिछले हफ्ते से सरकारी डेटा के अनुसार राज्य कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल क्राइम न्यूज। हम तुम मिलकर अभी करें सुरक्षा हम सब की, हाथों को करें सैनिटाइज, 2 गज हो दूरी है सबसे जरूरी, पहनो मास्क जब भी बाहर जाए, फोन पे ही पूछे सबका हाल चाल, घर से ना निकले कोशिश करें, घर से ना निकले कोशिश करें, ना छुए चेहरे को हाथों से, आओ हम तुम मिलकर अभी करें सुरक्षा हम सब की, आओ हम तुम मिलकर अभी करें सुरक्षा हम सब की।